हेलो दोस्तों, सो फाइनली हम आ गए एक नया व्लॉग लेकर वापस से आपके लिए। और इस वीडियो में होने जा रहा है व्लॉग जो कि है हमारे अहमदाबाद की आन बान शान और तुम सबकी जान काकरिया लेक। सो चलिए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस बार इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। ठीक है, सो चलिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो, जैसे कि टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, तो आप मेक श्योर कि आप ना गेट नंबर 6 पे जाएं और वहाँ पे पार्किंग का जो कॉस्ट है बहुत ही मिनिमल, बहुत ही नॉर्मल अमाउंट है, जैसे कि 10 रुपीज़ टू व्हीलर के लिए। और फोर व्हीलर के लिए आपका जो चार्ज है पार्किंग का वो अराउंड 40 to 30 रुपीज़ के ही आसपास है। और मेक श्योर कि आप ना गेट नंबर 6 में जाएं, वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद आप आ सकते हो यहाँ पे गेट नंबर, मैं अभी 6 पे आया हूँ। सो अभी यहाँ से टिकट लेते हैं। और अगर आप है ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से आते हो तो मेरे पीछे आप जैसा कि देख पा रहे होगे उस तरह से ये BRTS है, तो आप इससे आ सकते हो। ये बहुत ही इजी और बहुत ही नॉर्मल कोस्ट के साथ आपको यहाँ पे अहमदाबाद के कोई भी कोने से आपको यहाँ पहुँचा देगा, जो कि गेट नंबर 6 के पास में है ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का BRTS। तो दोस्तों, ये है टिकट विंडो, जैसा कि आप रेट देख पा रहे होगे। अभी अडल्ट का 10 रुपीज़ है और इस तरह से चाइल्ड का 5 रुपीज़ एंट्री है। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं टिकट विंडो के पास, हम टिकट लेने जा रहे हैं। जैसा कि आपने रेट देखा कि 10 रुपीज़ है अडल्ट का और चाइल्ड का है 5 रुपीज़। और एक बेनिफिट और भी है, अगर आप फ्री में आना चाहते हो तो मॉर्निंग में आपको 4 to 8 PM जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग में फ्री टाइमिंग है, आप उस टाइम पर फ्री एंट्री ले सकते हो। वो जॉगिंग वगैरह करने के लिए जो होता है वो उन लोगों के लिए स्पेसिफिक टाइम रख रखा है कि आप सुबह 4 बजे से 8 बजे तक फ्री में आ सकते हो, उसके बाद आओगे तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी। तो टिकट लेते हैं। सो टिकट ले ली है जो कि 10 रुपीज़ है, वहाँ से हमने एंट्री ली थी और उसके बाद का कुछ ही नज़ारा है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लेक के अंदर आ चुके हैं और सही में बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है, बिकॉज ऑफ मेरा फेवरेट सॉन्ग बज रहा है। बहुत ही बेस्ट हैपनिंग प्लेस है काकरिया अहमदाबाद। बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए है, आपका पूरा दिन भी जा सकता है इस लेक के अंदर अगर आप अच्छे से इंजॉय करना चाहें तो। फैमिली प्लेस है, आप किसी के साथ भी आ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है। आप यहाँ पे आके बलून सफारी कर सकते हो, आप यहाँ पे आके बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि बच्चों की खेलने की एक्टिविटीज़ और वाटर एक्टिविटीज़ जैसे कि राइड्स हैं, जैसे कि अभी मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि एक जस्ट अभी एक इस तरह से बोट सारी निकल रही जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो इस तरह से वाटर राइड्स हैं। तो दोस्तों, ये जो पार्क है ये काकरिया लेक के अंदर ही है, बटरफ्लाई पार्क। इसके अंदर बटरफ्लाईज हैं और फ्लाई पार्क में हो अभी, तो इस तरह से आपको चारों तरफ बटरफ्लाई ही दिखेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो टॉय ट्रेन चलती है उसका जो स्टेशन है वो कुछ ये है पीछे, जो ये है उसका स्टेशन टॉय ट्रेन का, और वो वहाँ पे से टिकट लेनी होती है और वो इसका स्टेशन है। चलिए मैं आपको टिकट्स की जो प्राइस है वो दिखा देता हूँ। इसका जो स्टेशन है टॉय ट्रेन का, जो कि फ़िलहाल अभी बंद है, ये आप टिकट प्राइस देख पा रहे होंगे, ये आपको कुछ जो टॉय ट्रेन है इसका टिकट प्राइस आपको दिख रहा होगा इस तरह से, और इस तरह से ये इसका जो। सो दोस्तों, अब हम करने जा रहे हैं बोट राइडिंग। ओके, तो ये दोस्त लोग आपको मिलेंगे यहाँ पे और आपको इस तरह से राइड कराएंगे, जो कि बहुत ही अनोखी होने वाली है, बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस होने वाला है ये भाई के साथ। मिल लीजिए इनसे एक बार और।
चलो बैठते हैं और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। ओ मैं आगे घूमते हैं, देखते हैं। तो ये है हमारे राइडर आज के। सर जी क्या नाम है आपका? गुरजी भाई। चलो कोई है भाई हमारे साथ जो आप राइड कराएंगे हमें, और इसी के साथ स्टार्ट होता है। दोस्तों बहुत ही सॉलिड हिला के रख दिया। बहुत ही बेहतरीन ड्राइव किया इन्होंने। सीरियसली हिला के लग दिया। अभी लग रहा है कि कहाँ उतरे। आराम से ये था कुछ एक्सपीरियंस जेट स्की कह लो, जो कि गोवा जाने की जरूरत नहीं है, अहमदाबाद में भी आप ले सकते हो। अरे वाह, इसका कुछ ज्यादा ही अनोखा एक्सपीरियंस है। सीरियसली मजा आ गई, बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस के साथ। ये भैया को जैकेट वापस करते हुए हम हो जाएंगे बाहर। इट वॉज रियली वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड आई वुड लाइक टू डू द वेरी नेक्स्ट टाइम, बट सी वेन एवर आई कम बैक। दोस्तों 1:30 है, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा। सीरियसली बहुत ही मजा आ गई। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने गोवा में किया था, बट फाइनली अहमदाबाद में भी अब आप कर सकते हो, जो कि बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। वो मैंने छोटी राइड में इसलिए नहीं किया बिकॉज उसमें भी कुछ इतना ही चार्ज था, बट उसमें इतना मज़ा नहीं आता बिकॉज उसमें बहुत धीरे धीरे ले जाते आपको, और इसमें जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ही अनोखा था। मज़ा आ गई, सीरियसली मज़ा आ गई यार। दोस्तों तो बात हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की, तो आप यहाँ काकरिया लेक जो कि है बहुत ही नियरेस्ट है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से, और जो कि 3 किलोमीटर है, और एयरपोर्ट कुछ आपको 7 से 8-10 किलोमीटर पड़ेगा। और उसके बाद आप यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से भी आ सकते हो, जो कि बाहर ही मैंने आपको दिखाया BRTS स्टेशन भी है, BRTS बस स्टैंड। और यहाँ पे आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो कि AMTS BRTS इस तरह से जो ट्रांसपोर्टेशन चलती है, BRTS मैंने आपको दिखाया, और आप ओला उबर और नॉर्मल ऑटो करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हो। दोस्तों ये आपको हॉरर हाउस, जो कि सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ अभी बंद हैं जस्ट बिकॉज ऑफ COVID-19। दोस्तों वक्त आ गया इस गाड़ी में बैठने का, और विन डीजल हमारे साथ में, और इस गाड़ी में बैठने का वक्त आ गया है। और कितना राइड देते हो आप यहाँ से? 1 नंबर गेट 1 नंबर से राउंड लेके यहाँ पे बस है। आप देखते हैं कैसी राइड है। 36 रुपीज़ पर पर्सन है, जो कि यहाँ से जाएगी Gate No. 1 तक, है ना भैया? हाँ। और वापस यहाँ ला के हमें ड्रॉप कर देंगे सी अंकल भाई ने। और ये हम गए 4th गियर में, और राइड शुरू हो गई हमारी दोस्तों इस तरह से। साइकिलिंग करने के लिए ये रहा बूथ, यहाँ से आप साइकिलिंग पिकअप कर सकते हो, और इस तरह से साइकिलिंग आप आवर्स बेस में ले सकते हो यहाँ से। इसका जो पैर वगैरह है आप यहाँ पे आके इंक्वायरी कर सकते हो, ये जो बूथ भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ से हमारी लैम्बोर्गिनी होगी यू टर्न। चलिए सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये गाड़ी, ये जो हमने घुमा इस गाड़ी में, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सही राइड थी। जिस तरह से हमने इस तरह से जर्नी कंप्लीट किया, हमारे साथ कुछ फेलोज थे जो कि बहुत ही अच्छा लगा घूमकर। अगर आप इस तरह से चलना नहीं चाहते हो तो यहाँ पर इस तरह से बैठकर आप जर्नी एंजॉय कर सकते हो। तो दैट्स ऑल गाइस फॉर दिस काकरिया ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।